तो चलिए आज के वीडियो में जानेंगे कि वाटर पंप का वायरिंग कैसे चेंज किया जाता है। आगे का पीछे साइड तो इजीली हो जाता है, पर पीछे साइड नहीं चेंज करना, आगे साइड का जानेंगे कि आगे साइड कैसे चेंज किया जाता है। इसके लिए ये पूरा खोलना पड़ता है, ये तो चलिए खोलते हैं फटाफट। इसके लिए रेंच का ज़रूरत पड़ता है 12 नंबर। चलिए इसको खोल लिए, तो इसको खोलना पड़ेगा तब इधर वायरिंग निकलेगा आगे वाला। तो चलिए खोल लेते हैं। इसके लिए पाइप रेंच की जरूरत पड़ेगा। ये देखिए मेरे पास पाइप रेंच है। लकड़ी देकर ठोकने से अच्छा रहता है। चल खोल गया, खुल गया ने, खुल गया। इस तरह लोहे और थोड़ी से मारना है अच्छे से तो खुल जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा खुल गया है। तो चलिए आज आगे वाला खोल लेते हैं, पीछे वाला खोलना है तो चलिए खोलते फटाफट से, फिर लगाएंगे वायरिंग। इसी तरह अच्छे से लगा लेना, उसके बाद इसको कसना है ठीक से। नीचे रख लेना और ये हमारा ऐसा गोल वाला चाहिए लोहा, इसे दे लेंगे, इसको हम मारेंगे ऊपर से। बंद कर।